हेलो बच्चों, क्रिएट डेस्टिनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, इन फिगर इफ वाई अपॉन एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर जी। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 5x आ जाएगा। अब बोल रहा है जेड अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जेड इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 4x आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग को पता है कि एक लाइन में आपका जो टोटल सम ऑफ एंगल होगा, इन अ लाइन सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू द 180 डिग्री। तो टोटल देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू द 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स आपका एक्स लिख दीजिए। अब जो वाई आया क्या है आपका, 5x आ गया है। तो हम लोग लिख देंगे इसको इक्वेशन 1। तो एक्स प्लस 5x प्लस आपका जेड कितना आया बच्चों, 4x आया। इसको आप 2 लिख दो, एक्स प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना गया बच्चों, 180 डिग्री। तो आपका क्या आ गया, 10x, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस x 10x, 10x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना गया बच्चों, 18 डिग्री। तो हम लोग का कौन सा आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट। तो x आपका यहाँ से 18। आपका अगर y पूछता तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x। तो आपका कितना आ जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, 5 इंटू 18। आपका z पूछता तो आपका 72 डिग्री। तो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, गुड डे।